मुनीर रखते हैं। मुनीर, क्या देखते हैं चांसेस पाकिस्तानी टीम के 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, 2021 के सेमीफाइनल में पहुंची? सिर्फ 2014 और 2016 दो ऐसे साल थे जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी, वरना 2007 से जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती चली आई है। इस मरतबा आप क्या चांसेस देखते हैं, जो एक गैर यकीनी सूरत हाल, फिटनेस प्रॉब्लम खिलाड़ियों के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो इस दफ़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान को उन चार टीमों की फहरिस्त में जो तजियाकार हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो नहीं रख रहे हैं। अगर हम जो सेमीफाइनल के लिए सेमीफाइनल के जो चार टॉप टीमें जो सेमीफाइनल उसमें नहीं शामिल किया जा रहा है, ये थोड़ा अलार्मिंग इसलिए है कि आपकी जो अभी कारकर्दगी पिछले दिनों से जो चल रही है, जैसे आयरलैंड से आप मुश्किल से सीरीज जीते, न्यूजीलैंड से आपने सीरीज बमुश्किल बराबर की और दीगर न्यूजीलैंड में 4-1 हारे, फिर न्यूजीलैंड में आप 4-1 हारे थे, फिर कप्तान तब्दील हो गया, कुछ खिलाड़ी गए कुछ खिलाड़ी आ गए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है अभी, तो इसकी वजह से नहीं। हालांकि अगर ऑन पेपर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है आपकी, आपके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, आपका टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन हैं, आपके स्पिनर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जो विनिंग रेशियो है वो पिछले मैचेस में हमने 10-11 मैचेस जो पिछले खेले हैं इकबाल, 7 या 8 मैचेस में से हम हार चुके हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं। इसी वजह से शायद पाकिस्तान को इस मरतबा टॉप रेट टीमों में नहीं रखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और जैसे T20 की सबसे अच्छी टीम पाकिस्तान की अगर तीनों फॉर्मेट में है तो T20 की है, और बाबा, रिजवान जिस तरह के प्लेयर हैं, शाहीन अफरीदी बहुत बड़े प्लेयर हैं, दुनिया में इनका नाम है, तो पाकिस्तान टीम अच्छे अगर कंबाइंड होकर खेलेगी तो फिर अच्छी। आयरलैंड की सीरीज से कबल पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी नंबर 7 थी, आयरलैंड की नंबर 11 थी, तो अगर पाकिस्तान की रैंकिंग अब डेफिनेटली आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद रैंकिंग और कुछ बेहतर हुई होगी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ इतने पॉइंट्स नहीं मिले होंगे पाकिस्तान को, क्योंकि वो निचले दर्जे की टीम है। अब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस हैं? क्योंकि देखें, इस दफा 20 टीमें और उन 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, हर ग्रुप से 2-2 टीमें आएंगी सुपर 8 मरहले के लिए, तो आप पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान का निस्बतन आसान ग्रुप है कि भारत है सिर्फ एक मजबूत हरीफ, बाकी आप देख लें कैनेडा है, आयरलैंड है, USA है, तो देखते हैं कि कहीं मुश्किल ना हो जाए पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने। जब तक आप आयरलैंड नहीं गए थे ना सीरीज खेले उस वक्त, तो आपको लग रहा था कि सिर्फ इंडिया को आपको हराना है तो आप टॉप पोजीशन पे अपने ग्रुप में टॉप कर लेंगे, लेकिन अब तो हालात आपको दूसरे नजर आ रहे हैं। आयरलैंड जिस तरह से फाइट किया, आयरलैंड ने 2 मैचेस में, आप दूसरा मैच जीते जरूर लेकिन आप बड़ी मुश्किल से जीते थे, तो उसको जीते हुए तो लग रहा है कि आपको डू और डाई सिचुएशन होगी अगेंस्ट आयरलैंड। अगर आप इंडिया और आयरलैंड से सबसे आखिरी ग्रुप मैच है आपका, यानी अगर इंडिया से आप जीत गए तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन गॉड फॉरबिड इंडिया से हार जाते तो फिर आयरलैंड वाला मैच आपके लिए मस्ट विन होगा। वो फोर्ट लॉडरडेल में है जी, फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा में जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ अभी भी आप किसी भी टीम को इतना आसान नहीं ले सकते। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था साउथ अफ्रीका की टीम अपना इंपॉर्टेंट मैच नेदरलैंड से हार गई थी, जिसके वजह से पाकिस्तानी टीम को फाइनल में पहुंचने का मौका मिला। तो T20 क्रिकेट है बात की, जो अगर आप सुपर 8 में पहुंचते हैं तो आप यकीन करें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हर टीम से आपको टफ टाइम मिलेगा, टफ टाइम देंगे बिल्कुल आपकी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो तसलसल नहीं है, और उस तसलसल के ना होने की बुनियादी वजह यह है कि आपके कोचेस तब्दील कर दिए गए वर्ल्ड कप के बाद, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वो आपने मिकी आर्थर की छुट्टी की, मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट बनाया, अब मोहम्मद हफीज़ की जगह जो है वो गैरी कस्टन आ गए, कुछ अरसे अजहर महमूद रहे, तो बहुत सारे क्योस नहीं आप समझते हैं कि इतनी मुतवातिर तब्दीलियों से असर पड़ेगा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर? असर तो ऑलरेडी पड़ चुका है इकबाल, देखिए ना, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि आपको एक अच्छा कोच मिल गया है गैरी कस्टन, लेकिन वो क्या कोई जादू की छड़ी है कि वो पाकिस्तान को काम, लेकिन एटलीस्ट ये कि कुछ आपको लगा कि थोड़े से कई चीजें जो खराब हो रही है वो स्टॉप हो जाएंगी। गैरी कस्टन एक डिफरेंट, आपने उसका इंटरव्यू देखा कि उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं चीजों को असिस्ट कर रहा हूँ, और उसे उसने मिकी आर्थर से भी बात की है, उसने जो पाकिस्तान के डेव वॉटमोर से भी बात की जो ऑस्ट्रेलियन था, तो वो सारी चीजें देख कर आ रहा है कि एशिया में कोचिंग आसान काम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का तो कोई कोच हेड कोच बनने को तैयार नहीं था, आपको पता है इकबाल, बहुत से शेन वॉटसन की मिसाल सामने, मिसाल सारी बातें तय हो के उनका पैसों का इशू आ गया, जो मीडिया में लीक हो गई, उन्होंने आसान नहीं होता डिसीजन, लेकिन अगर आपको नसीब से एक अच्छा मिल गया है कोच तो इसकी खिदमत आपको लेनी चाहिए। अगर वो मिकी आर्थर और डेव वॉटमोर से बातें कर रहे हैं तो इसका पाकिस्तान को फायदा होगा। बाबर आजम पर मैं पढ़ रहा था कि बाबर आजम पर उनकी खसूसी नजरें हैं कि बाबर आजम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ओपन खिलाना है, वन डाउन खिलाना है, सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा इशू इकबाल आपको मानना पड़ेगा कैप्टनसी का है।
कैप्टनसी में अभी तक हम पूरी तरह से बाबर आजम पर इत्मीनान नहीं कर सकते। चार साल हो गए उनको कप्तानी करते हुए। आपकी बात सही है, लेकिन इकबाल आप देखें जिस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही होती वो हमें कहीं नजर नहीं आते। वो जो वक्त होता है ना उस वक्त कई जगह पर हम देखते हैं कि जहाँ स्पिनर्स बेहतर कर रहे हैं वहाँ वो फास्ट बॉलर्स को ले आते हैं। तो अभी हिकमत अमली उनकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती नजर आ रही है, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये खौफ नहीं जाएगा कि हम 50 नहीं करेंगे या 70 रन नहीं बनाएंगे तो अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन असल मसला तो मुनीर पाकिस्तान की बॉलिंग है जो एक्सपोज हुई आयरलैंड के खिलाफ। पहले मैच में आयरलैंड ने 183 रन का टारगेट अचीव कर लिया, दूसरे मैच में आयरलैंड ने 193 रन स्कोर किए, तीसरे मैच में 178 रन स्कोर किए। एक आयरिश टीम जो नातजुर्बाकार है, जबकि तीसरे मैच में उन्होंने अपने कप्तान पॉल स्टर्लिंग को आराम कराया जो मेन बैट्समैन है जो नाकाम हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉलिंग जो है वो आपके लिए वरिंग फैक्टर है। 100% ट्रू इकबाल, बिल्कुल आपने सही कहा है ना कि ऑन पेपर हम देख रहे थे कि जब आमिर आपके पास हैं, शाहीन आफरीदी आपके पास, नसीम शाह आपके पास हैं, इमाद वसीम की वापसी हो गई है, तो ऑन पेपर तो आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन हमने देखा शादाब की जिस तरह पिटाई हुई है, शादाब के एक चार ओवर में 54 रन बन गया पहले मैच में, नसीम शाह हमें फिट नजर नहीं आ रहे, रिदम नहीं है, फिर हारिस रऊफ को मैच कोई नहीं खिलाया, इसका मतलब है उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क था। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर हारिस रऊफ को अनफिट होने के बावजूद आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से पहले उसको कैरी कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के को फिट हो जाएंगे, हारिस रऊफ में ऐसा कौन सा है इकबाल, कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं है वो। मैं आपको एक बात, लेकिन 150 प्लस की स्पीड से वो गेम करता है और वो स्पेशलिस्ट ही T20 का है। आप नोट करें वो ना टेस्ट क्रिकेट ना वनडे में इतना। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिग बैश लीग का तजुर्बा। लेकिन अभी भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें दुनिया के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे जब इनको 538 रन इनको मिचेल स्टार्क नहीं, ये हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर थे वर्ल्ड कप में अगर आप देखिएगा सेट निकाल के। उसके बाद जब से विराट कोहली ने इनको दो छक्के लगाए, 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो भी शॉर्टर फॉर्मेट, कोई टेस्ट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, T20 में भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैच विनिंग कारकर्दगी बहुत ज्यादा नहीं है। हम शाहीन अफरीदी देखा, वो शुरू के स्पेल में कोई विकेट नहीं लेते, ये चीज मुझे हारिस रऊफ पर एतराज है। अगर वो फिट नहीं है तो बेचारे जमान खान का क्या कसूर है, वसीम जूनियर का क्या कसूर है, मोहम्मद अली का क्या कसूर है, आमिर जमाल का क्या। अब ये तो सिलेक्टर्स ने टीम बना दी मुनीर, अब तो सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। अब तो एक बार आप मुझे बताएं ना कि आपने दो चीजें मुझे समझ में नहीं आती। आपने 18 रन की टीम में हसन अली को लिया जिसकी पाकिस्तान के टॉप 40 प्लेयर्स में भी जगह इस वक्त नहीं बनती। ये 9 सितंबर 2022 के बाद वो T20 खेला आयरलैंड के खिलाफ 10 मई को और 12 मई को कहा गया था कि रिजर्व के तौर पर रहेंगे और आपने उनको प्लेइंग 11 में तीसरे T20 में शामिल कर लिया और कितनी पिटाई हुई है। ऑर्डिनरी बॉलर बस आ रहे हैं गेंद कर रहे हैं, ना स्पीड नजर आ रही है, ना वैरायटी, ना स्विंग, ना सीम को फायदा उठाया, कुछ भी नहीं, और इतनी उनकी पिटाई हुई, 3 ओवर में 42 रन बने एक इनका और एक हारिस रऊफ को टीम के साथ लेकर चलना। मुझे बताए ना वसीम जूनियर को इतने अरसे इकबाल हमने रखा टीम के साथ, क्या फायदा वसीम जूनियर का, अब क्या फायदा है। ठीक ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर बात है।